अरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज एक नया शो जिसका नाम है आउटर बैंक्स। इस शो में आपको तकरीबन 10 एपिसोड देखने मिलते हैं। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 46 मिनट से लेकर 51 मिनट के बीच में। ये सीरीज आपको हिंदी पे नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। तो खैर, इस सीरीज की कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से, जिसका नाम है जे, पॉप, कायरा और जॉन भी, जो कि हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। खैर, ये चार लोग अपने आपको पॉक्स बुलाते हैं, क्योंकि जिस आइलैंड ये लोग रहते उस आइलैंड में जितने भी गरीब लोग खुद को पॉक्स बुलाते और जितने भी अमीर लोग उनको कॉक्स बुलाते हैं, KOOK कॉक्स। फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब इनके आइलैंड पे आता है एक तूफान यानी कि हरिकेन। इसके बाद इन चारों दोस्तों को मिलती है एक बोट। उस बोट में छुपे थे बहुत ज्यादा सीक्रेट्स यानी कि राज, बहुत सारे राज छुपे होते। तो वो राज उन्हें कहां लेकर जाते, ये सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी जिसका नाम है आउटर बैंक्स। मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेजर हंट शो है, यानी कि यहाँ पर आपको खजाने के बारे में बताया गया। वो खजाना मतलब गोल्ड है। अब वो आप लोगों ने इस तरीके की फिल्में बहुत सारी देखी होगी, लेकिन ये शो टिपिकली बहुत ज्यादा अलग है उन सारी फिल्मों से या उन सारे शो से जहां पर आपको एक बड़े बड़े सेट देखने को मिलते हैं, या तो फिर एक तरह की गुफा बता दी जिसमें बहुत सारा खजाना छुपा है, लेकिन वहां पर जाने के लिए तीरबाजी ये वो बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी शो में देखने को नहीं मिला। ऑल्दो इस शो में आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की तरह एक कंपास देखने को मिला, लेकिन वो कंपास का क्या रोल है वो तो आप इस सीरीज में देख लेना। अब मैं आपको बता दें कि सीरीज मुझे कैसे लगी। इस सीरीज है टीनेजर्स की, लेकिन यहाँ पर जितने भी एक्टर्स है वो टीनेजर्स तो नहीं लग रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। ऑल्दो ये सीरीज को एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाया गया, यानी 16 से 30 साल के बीच की जितनी भी ऑडियंस है उनको ये शो बहुत अच्छा लगेगा। उसके ऊपर की जो ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स पर बड़े बड़े शोज देखना पसंद करते तो उनको ये शो इतना ज्यादा अपील नहीं करेगा। जिस तरह से सीरीज को लिखा है वो बहुत अच्छा लगा था। मैं ये सोच रहा था कि यार 10 एपिसोड, वो भी इतने बड़े बड़े एपिसोड, ये लोग किस तरह से खींचेंगे, लेकिन बहुत ही बढ़िया उन्होंने इस पूरी सीरीज को एग्जीक्यूट किया। एक्टर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, जो बीच में ट्विस्टेड टर्न्स आ रहे थे वो भी अच्छा लगा था। और सी भी एक ट्रेजर हंट की कहानी नहीं है, यहाँ पर आपको गरीब और अमीर बच्चों के बीच की जो लड़ाई है वो भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। सीरीज में जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छे लगे। एक ऐसा मोमेंट आ गया था जहां पर मुझे इस सीरीज में देखने का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कहीं मर गया था, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुझे बीच में ऐसा लगा था कहीं खो सा गया, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़े थे फिर तो इंटरेस्ट था वो दोबारा लौट कर आ गया था। इस हिसाब से मैं इस सीरीज को अगर मैं अपनी पर्सनल रेटिंग दूं तो इस सीरीज को 5 में से सिर्फ 3 स्टार दूंगा। मुझे ये सीरीज अच्छी लगी, बट ये डिसेंट सीरीज है, क्योंकि इससे भी ज्यादा धमाकेदार सीरीज मैंने नेटफ्लिक्स पे ऑलरेडी देख चुका, लेकिन ये फिर भी टीनेजर्स लोग को बहुत अच्छी लगेगी, उनको अट्रैक्ट जरूर करेगी। तो मैं बस इस सीरीज को बोलूंगा, अगर आपको देखना तो देखिए, नहीं देखना तो कोई बात नहीं। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दिल्ली दुआ में याद रखना, मैं हूँ राशि, और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट अपने वीडियो में दिल्ली दुआ में याद रखना।